अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग पूल पर जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस वॉच करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ शेयर करता रहूँगा। तो फ्रेंड देखें, यहाँ पर पानी है, बहुत हालात बहुत ख़राब हैं, पानी शानी है यहाँ पर गंदा। और फ्रेंड्स, नमाज़ का टाइम हो गया तो हमने सोचा कि नमाज़ पढ़ लें। रास्ते में नमाज़ का टाइम, नमाज असर का टाइम था, तो हमने ये मस्जिद है, गांव में एक प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है, और हमने नमाज़ पढ़ ली है और यहाँ पर हमने नमाज अदा की है। ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद बनी हुई है। और अब हम निकल पड़े हैं स्विमिंग पूल की तरफ। ये आप देख रहे हैं, ये आम के बाग हैं और रीट की आम के बाग हैं। यहाँ पर आम दरख्त पर लगे हुए हैं, जो दरख्त पर आम पकता है ज़्यादातर वही आम है, और काफ़ी दरख्त खाली भी हैं, आम उतर चुके हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे ग्रासी प्लाट्स भी हैं, यहाँ पे खेत भी हैं, और मकानात वगैरह भी बने हुए हैं कच्चे पक्के। और तो फ्रेंड्स देखें, रास्ते में कोल्ड स्टोरेज भी थे यहाँ गांव में, जहाँ पर भी फ्रूट्स सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह सेव किए जाते हैं, और फार्म हाउस वगैरह भी बने हुए हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सामने आपके PSO पेट्रोल पंप है, और ये भी हाईवे रोड पर बनाया गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर रोड बने तो हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रोड टूट फूट का शिकार हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोग जो चैनल पर न्यू हैं, मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस वॉच करें। और आप भी बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि आप किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा आप किस सिटी में रहते हैं, और अपने इलाके का मौसम का बताएं। और तो फ्रेंड्स, जैसे कि फाइनली हम स्विमिंग पूल पर पहुंच चुके हैं। ये है अरिहा नाम का एक स्विमिंग पूल, और यहाँ पर टिकट्स वगैरह हैं। बच्चों की टिकट जो है 100 रुपीज़ है, जो कि 10 साल से कम वालों के लिए, बच्चों के लिए 100 रुपीज़ की टिकट है, और 200 बड़ों के लिए है, और 300 जैकेट अगर आप लेते हैं तो डाइविंग वगैरह के लिए, तो आपको जो है ना मिलती है प्राइस इस प्राइस में। और फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, ये स्विमिंग पूल बड़ा स्विमिंग पूल है ये, और उसके सामने आगे आप देखेंगे ये स्विमिंग पूल, ये बड़ा स्विमिंग पूल है, और साथ ही छोटे बच्चों के लिए, और ये डाइविंग पूल है, स्विमिंग पूल, ये डाइविंग है। यहाँ पर जो है ऊपर से छलांग लगाकर डाइविंग वगैरह की जाती है, जैकेट्स वगैरह पहने होती है सेफ्टी के लिए। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं पानी, तकरीबन ये अगर आपने फैमिली बुकिंग करानी है तो तकरीबन फैमिली बुकिंग तकरीबन 2500 से 3500 के रुपीज़ में होती है, यानी कि तकरीबन 3 घंटे के लिए। और ये देख रहे हैं हम फैमिली पूल वाली साइड पर आए हुए हैं, और फैमिली पूल है ये, विज़िट करा रहे हैं आपको फैमिली, ये हम फैमिली पूल विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके सामने ये फैमिली पूल है ये, इसकी प्राइस है 3500 रुपये। और यहाँ पर ग्रासी प्लाट्स वगैरह भी हैं, यहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हैं आप, लेकिन और यहाँ पर सिस्टम है, और यहाँ पर शावर वगैरह लगाए हुए हैं, ताकि नहाने से पहले जिसने स्विमिंग पूल में नहाना तो उससे पहले वो शावर लेकर ही स्विमिंग पूल के अंदर जा सकता है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो फ्रेंड्स, ये अब हम दूसरी साइड पर आए हैं, ये 2500 वाला स्विमिंग पूल है, ये छोटा है, तकरीबन इसकी गहराई तकरीबन 5 फुट के करीब है, और ये बच्चों के लिए है गाइस फ्रेंड्स, ये पूल बच्चों के लिए है। देख रहे हैं, जैसे कि आप बच्चों को देख रहे हैं, यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं बच्चे और एंजॉय कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल।